जब दो असमान एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हुआ रहे तो दोनों एडजेक्टिव के पहले ए या एन का यूज करेंगे, तब यह अलग अलग भाव को एक्सप्रेस करेगा। कंडीशन है एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस एडजेक्टिव और प्लस नाउन। इस केस में दोनों एडजेक्टिव के पहले ए एन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, डैश ब्लैक एंड डैश वाइट काउ। यहाँ पर ब्लैक एडजेक्टिव है और इसके बाद एंड आया है और खाली जगह फिर वाइट एडजेक्टिव है और साथ में काउ जो कि नाउन है। ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसीलिए यहाँ ए देंगे, ए ब्लैक एंड फिर यहाँ ए देंगे एंड ए वाइट काउ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डैश ब्लैक एंड डैश वाइट फुल स्टॉप। इसके बाद देखिए नाउन नहीं है, इसीलिए यहाँ हम लोग ए एन का यूज नहीं करेंगे। कंडीशन के अनुसार नाउन होना चाहिए लेकिन नाउन नहीं है, एडजेक्टिव तो है लेकिन नाउन नहीं है, इसीलिए यहाँ जीरो आर्टिकल का यूज करेंगे। यहाँ भी जीरो होगा और यहाँ भी जीरो होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम लोगों का डैश इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट गर्ल। इस केस में इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है एंड भी है अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंड इसके जस्ट बाद खाली जगह ऑनेस्ट जो कि एक एडजेक्टिव है और उसके जस्ट बाद गर्ल जो कि नाउन है। अर्थात अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लोग यहाँ इंटेलिजेंट के पहले एन लिख देंगे और ऑनेस्ट गर्ल के पहले भी हम लोग एन लिख देंगे। ये फुलफिल हो गया, ये सेंटेंस हमारा कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डैश इंटेलिजेंट एंड डैश ऑनेस्ट। इसमें इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, उसके बाद एंड भी है और ऑनेस्ट एडजेक्टिव है और लेकिन नाउन नहीं आया है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग एन का यूज या ए का यूज नहीं करेंगे बल्कि जीरो आर्टिकल्स का यूज करेंगे, खाली जगह में जीरो भर देंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जब दो असमान एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हुआ रहता है लेकिन इसके शुरू में एक ही खाली स्थान रहता है तो उसमें द आर्टिकल्स का यूज करेंगे। इसके लिए कंडीशन है, क्या है कंडीशन? कंडीशन है एडजेक्टिव के बाद एंड मिलना चाहिए और फिर एडजेक्टिव के साथ नाउन रहना चाहिए। एग्जाम्पल है डैश ऑनेस्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल। ऑनेस्ट यहाँ एडजेक्टिव है, एंड भी है, उसके बाद ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और गर्ल अंत में नाउन मिल गया। अर्थात एडजेक्टिव साथ में एंड भी है और उसके साथ में फिर एडजेक्टिव और नाउन, अर्थात ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग दी आर्टिकल का यूज कर देंगे। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डैश ऑनेस्ट एंड ब्यूटीफुल। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में ऑनेस्ट एडजेक्टिव तो मिल गया, साथ में एंड भी मिल गया और इसके बाद फिर ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, फिर एडजेक्टिव मिल गया लेकिन अंत में फुल स्टॉप है और शर्त के मुताबिक नाउन होना चाहिए लेकिन नाउन यहाँ नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ जीरो आर्टिकल का यूज करेंगे, द का यूज कदापि नहीं करेंगे।